These were the prices. ये टेस्ट है, लेकिन भी आप दे सकते हो पर मंथ के लिए लो कॉस्ट में 0% इंटरेस्ट में सेट वन सेट टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। कंप्लीट एक सीरीज है, प्राइसेस 12 मंथ ड्यूरेशन। आइकॉनिक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, नोट्स बनाने लग नोट्स हैं जो आप हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिए जा रहे हैं नोट्स हमारी तरफ से। दीज आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फॉर आइकॉनिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल सेगमेंट, अब इसके आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले अ कंटीन्यूअस प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ 3 मीटर लॉन्ग बिटवीन द इंटरमीडिएट कनेक्शन, इट कंसिस्ट इट कंप्रोमाइजेस टू आईएसए 1998 कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ 16 mm थिक कैसेट प्लेट। Two angle sections are tack riveted 60 mm thick washer along the length of 30 cm interval. Assuming effective length between tacking rivets is 30 cm, assuming effective length equal to 0.8 times the distance between the intersections. Calculate the maximum force that can be taken by the rafter. Allowable stress compression may be taken from the following table: lambda, slenderness ratio, ये दे रखे हैं आपको प्रॉपर्टीज है, आर एक्स एक्स, आर वाई वाई, आर यू, आर बी बी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। ये लैम्डा और एल बाई आर यहाँ से आपको मिलता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस राफ्टर है। नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम पहले ड्रॉ करता हूँ, तो फिर इसके बाद में हम लोग इसके लिए आगे प्रोसीड करते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होगा। इसमें देखो
ये मान लेते हैं कुछ ऐसे भी है अलोंग द लेंथ दैट वुड बी है ये हो गया टैग बोल्ट। ठीक है, अब इस टैग बोल्ट के लिए पहले हम लोग लेट से इनके बीच की डिस्टेंस को 30 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है आपको, यही वो डिस्टेंस है जो इन दोनों के बीच में कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब इस 30 सेंटीमीटर के साथ जब अगर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं इसमें आगे किस तरह से हमें चलना चाहिए वगैरह तो देखते चलो। सबसे पहले ये 30 सेंटीमीटर का अगर होगा यहाँ पे स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कंटिन्यूस राफ्टर फॉर 3 मीटर लॉन्ग बिटवीन द इंटरमीडिएट कनेक्शंस इट कंप्राइजेस टू आईएसए कनेक्टर बोथ 67 ठीक है वाशर अराउंड द 30 सेंटीमीटर तो ये 30 है और यहाँ से ये आपको दे रहा है 3 मीटर कंटिन्यूस है मतलब ये आगे तक जाएगा इसमें इफेक्टिव लेंथ टैकिंग इफेक्टिव लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर इसमें इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू 0.8 पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्शन। अच्छा ये इफेक्टिव लेंथ आपको यहाँ के लिए भी दे रखी है इसके भी 0.85 के साथ है ऐसे लेते भी 0.85 ही है। अच्छा इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं बेनिफिट ये रहेगा कि एक्सटेंड करने से हम लोग इसको कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। ये आपके पास में रह गया। अब यहाँ से हम लोग ये कंटिन्यूस मेंबर है और ये 0.85 ये इफेक्टिव लेंथ है अपने आप में और ये रह गया फिर इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो जब कैलकुलेट करें वो पहले टैग बोल्ट के लिए कैलकुलेट करूँ जनरली टैग बोल्ट में हमेशा सेव होता है इसलिए उसमें दिक्कत नहीं आती लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें यूज़ करना चाहिए तो उसका स्टेटमेंट इस तरह से टैग बोल्ट्स पहले होता भी चेक टैग बोल्ट्स ही है उसके बाद में मेंबर सेक्शन क्योंकि जब तक तो ये सेफ नहीं है यूनियन रहेगा नहीं यूनियन रहेगा नहीं तो ये मेंबर बन नहीं पाएंगे तो इसलिए हम लोग इसको मेंबर ठीक है कैलेंडर टैग बोर्ड्स एल इफेक्टिव टैग बोर्ड्स डिवाइडेड बाय आर मीन दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6 अच्छा ये लैम्डा होल यहां से कैलकुलेट हो जाएगा अगले पेज पे लिख divided by r by x x
RxX कितना है 27.5 ये रह गया। अच्छा लैम्डा फुल अब यहाँ पर मिल चुका है, ये वैल्यू तो ना के बराबर है। ये 40 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.6 टाइम्स है। ये कितना है 92.73। ये दोनों में ही सेफ है, मतलब ये अरेंजमेंट सेफ हो गया। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि टैग बोल्ट, अगर जैसे ये यहाँ पर ये सेफ्टी अगर आपको मिल गई है, तो इस सेफ्टी से एक पॉइंट उठा सकते हैं कि यार ये जो भी अरेंजमेंट हम लोग बना रहे हैं, राइट, जो भी अरेंजमेंट यहाँ पर बनाया जा रहा है वो अपने आप में एक सेफ अरेंजमेंट उसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज कहा जा सकता है जो यहाँ हम लोगों को मिलेगा इसमें। ये रह गया अब हमारे पास में, तो यहाँ से अब हम लोग टैग बोल्ट्स और इनकी जब डिज़ाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी, अब यहाँ पर आते हैं। तो इसमें देखो, ठीक है, ये मिल गया आपको लैम्डा वन के साथ। तो अब इसमें कितना रहेगा, दैट इज 92.73, ठीक है, ये आपको मिला है। इसी के करस्पॉन्डिंग कैरिंग कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट, इसके लिए सेकंड रेडियस सिग्मा एसी कितना है, ये 92.73, 92 इन दोनों के बीच में, 90 और 110। इसको यहां से लिखते हैं, टेबल बना के लिखो 90 और 110, 970। अब ये देखो हमें 92 की ज़रूरत है, तो ये कहेंगे 20 में इंक्रीमेंट कितना, मतलब डिक्रीमेंट कितना हुआ है 180 में होगा, ठीक है, और 2.73 में कितना होगा, सिग्मा एसी मिलेगा आपको।
अब इस सिग्मा एसी के बाद में नेक्स्ट जो रह गया है आपको यहाँ पे, ये सिग्मा एसी मिल गया। नेक्स्ट इसमें देखो, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप है पी जो लोड कैरिंग करेंगे इसे इक्वल टू एजी इनटू 875.43 टू इनटू एरिया इनटू 875.43 तो टू इनटू एरिया कितना है क्वेश्चन में गिवन होगा 13.79। KG जो यहाँ तक आपको मिलेगा, ये यहाँ से हम लोग इसको उठा सकते हैं। अब इसके बाद में 24,144 KG जो मिलेगा ये इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है। इसके बाद में नेक्स्ट ये रह गया कि जो लोकल बकलिंग वगैरह है वो भी नहीं होगी। ये वाला चेक बेसिकली इसके लोकल बकलिंग का होता है। अच्छा, इसके अंदर ही एक और लोड कैरिंग कैपेसिटी आती है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रस होती है, ठीक है। हालांकि वो इतना ज़्यादा डिविएट करती नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर एक का दो कनेक्शंस के बीच में और होती है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रस, ठीक है। उसके लिए भी इसमें चेक होना चाहिए। मैं इसको भी कैलकुलेट करके बताता हूँ। आफ्टर मेंबर प्लेन अब अगर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रस बकलिंग मतलब जब कैलकुलेट होगा तो उस केस के अंदर पहले आर्बन वाई वाई निकलता है, दैट इज प्लस सी वाई में प्लस एस वाई टू होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये आर वाई वाई कितना होगा, और ये है 27.5 बाई 3 y y कितना है 25.1, s क्या है थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट दैट इज 16 mm, R1 वाई वाई ये है जो कि हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर R1 वाई वाई जो जो भी हमें यहाँ पर मिला है उसके करस्पॉन्डिंग आप स्लेंडरनेस रेशियो चेक कर लो, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय R1 1 mm है ना, सेवन टू ये मिलेगा आप हमको यहाँ पे। अब
इस वैल्यू के बाद यहाँ देखो 69 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो लिखते हैं अब इसके लिए 50 से 69 है ना, तो ये तो ऑलमोस्ट ही आ गया है, 69 है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप टेंटेटिवली सोच सकते हो इसके अंदर ये लगभग 1100 के आसपास मिलेगा, और पहले वाले में हमें कितना मिल रहा है ये 875। तो ये कह सकते हैं कि उसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रस बकलिंग नहीं होगी, डायरेक्टली इससे रेडियस ऑफ गायरेशन से ही उठा सकते हैं इस रिजल्ट को, या स्लेंडरनेस रेशियो से ही हम लोग इसको ले सकते हैं कि यहाँ पर जो बकलिंग होने के चांसेस है वो ना के बराबर है। ये परपेंडिकुलर प्लेन से बहुत ज़्यादा इसमें मिलता हुआ, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ट्रस पे जितनी भी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी मिली है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इन द प्लेन जब हम लोग उसमें चेक करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन समराइज कर देता हूँ फिर हम लोग चलते हैं इसमें नेक्स्ट। और आप इसमें देखो कंटिन्यूस प्रिंसिपल राफ्टर दे रखा है, इसका मतलब दो कनेक्शंस के बीच में, देखो राफ्टर होता क्या है वो बता देता हूँ, अभी सही तो भी क्लियर हो जाएगा। ये मैंने जस्ट एक टेंटेटिव डायग्राम बनाया है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा ट्रस एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो मेंबर होता है ये वाला मेंबर जैसे ए बी ए बी और बी सी राफ्टर होते हैं, ये मेंबर कंप्रेसिव फोर्स के लिए डिजाइन होता है। डिजाइन फॉर इनमें कंप्रेसिव फोर्स कहाँ से आता है, तो वो यहाँ से आएगा, पर्लिंस जो होती है वो रखी जाती है, ठीक है, और पर्लिंस के साथ लोग यहाँ पर ये कुछ ऐसा इमेज जब रखते हैं तो उसके ऊपर डायरेक्टली नोड्स पे ये फोर्स आता है और उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता हुआ उनको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि इस पर्लिंस वाले अरेंजमेंट के साथ यहाँ पर इनको पॉइंट लोड मिल जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स मिल जाता है और उसी के लिए इनको डिज़ाइन करते हैं। हाँ, उसमें भी एक कंडीशन है, पर्लिंस को कभी भी राफ्टर पॉइंट्स के इंटरमीडिएट नहीं रखते, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट रख दोगे तो उस केस में नुकसान ये हो जाता है कि अगर इंटरमीडिएट रखते हैं तो उसमें बेंडिंग मोमेंट भी आ जाता है और वो हम चाहते नहीं, तो इसलिए ये पैनल्स भी रखे जाते हैं और तब जाकर ये जो मेंबर मिलता है ए बी और बी सी ये होता है हमारे पास में राफ्टर मेंबर सेक्शन। अब इस राफ्टर की अगर बात करें तो दो तरह से दे सकते हैं, या तो कंटिन्यूस देते हैं या डिसकंटिन्यूस देते हैं। जनरली नहीं, मतलब ये हमेशा इसमें फोर्स की बहुत बड़ी कहानी है, थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, क्योंकि अगर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है तो फोर्स कंटिन्यूसली ए बी मेंबर में नहीं आएगा ना ही बी सी में आएगा, उसमें वो डिसकनेक्ट होकर गसेट प्लेट से बॉटम में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, राइट, ये सब चीज़ें ना हो, उन सबको अवॉइड करने के लिए कंटिन्यूस मेंबर ये दिया जाता है। ठीक है, और वो कंटिन्यूस मेंबर के साथ फिर जाकर ये फोर्स ये कहते हैं, ये माना जाता है कि ये सिर्फ एक फोर्स है जो कि हम लोग इसको डाउनवर्ड एक्शन में इस तरह से कंप्रेशन के साथ लेके जाते हैं।
चलिए ये हो गया डिसेंड यहाँ पर, तो ये कंप्रेशन यहाँ पर आ गया, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस दोनों ही मिल गए यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बाद में ये टैग बोल्ट की डिजाइनिंग होती है, टैग बोल्ट, ठीक है, टैग बोल्ट दो कनेक्शंस के बीच में या पूरे मेंबर सेक्शन का एज ए यूनियन बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इनकी स्पेसिंग ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ये 600 से ज्यादा नहीं होगी कंप्रेशन में। टेंशन के लिए ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग जब दे सकते हैं 1000 एमएम दे सकते हैं एज पर द कोड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे चेक किया, 30 सेंटीमीटर 300 एमएम है, वेल एंड गुड, क्योंकि 600 से ज्यादा तो है नहीं। या आर वी भी इंडिविजुअल बिहेवियर करता है, डिजाइनिंग के स्टेप्स हैं तो उसके बेसिस पे आप इतना प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद में ये लैम्डा वगैरह कैलकुलेट हुए वगैरह सारी चीज़ें मिली है आपको। इसके बाद परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रस कैलकुलेट करना चाहिए इसके अंदर, लेकिन फिर भी अगर ये कैलकुलेट भी करते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है हमारी कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो आंसर आ रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब ये आपके पास में डिजाइनिंग होगी तो उसके बाद में दोनों में से मिनिमम के लिए डिजाइन करते हैं, दोनों एक्सेस के लिए डिजाइन हुआ, ये सेफ हो चुका। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये इसके जो छोटे मोटे वर्ड जितने भी रहे होंगे वो सारे ही सेचुरेट हो चुके होंगे आप लोगों के। बिल्ट अप कॉलम कंसिस्ट ऑफ टू आईएस, आईएसएमसी इतना एंड टू प्लेस 500 इतना, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बैक टू बैक कॉलम जनरल इज 200। ठीक है, एंड वन प्लेट इज कनेक्टेड ऑन ईच फ्लैंज साइड, डिटरमाइन द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, इफ इफेक्टिव लेंथ इज 5 मीटर यूज टेबल सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इफेक्टिव। ओके, ये आपको सारी चीजें इसमें जब दे रखी है डायरेक्टली है, इसमें लेसिंग वगैरह का नाटक नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा इनको एक एक करके इसमें सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर ठीक है, अब एक एक करके इसके स्टेप्स हैं उनके लिए देखते हैं। तो इस तरह से देख सकते हो, पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि इसकी एक फील आ जाएगी कैसे दिखेगा क्या है। इसका पहले डायग्राम एक बार ड्रॉ करते हैं,
इसके क्वेश्चन के पैरामीटर यहाँ से और उठा लेता हूँ। सीसी कितने डिस्टेंस पर है? 24.2। अच्छा, दो चैनल्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी है बेटा? बैक टू बैक चैनल इज 200। अब इसके लिए आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों कैलकुलेट करते हैं, दोनों के बेसिस में रेडियस ऑफ वेरिएशन। लेकिन इसमें साथ में एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि एक प्लेट और है। अच्छा, प्लेट के लिए उन्होंने क्या दे रखा है कि टू प्लेट्स, ये 500 × 10 mm दे रखा है। तो जाके आप लोग इसको एक तरह से कह सकते हो ये एफिशिएंट बना होगा वगैरह सारी चीजें, ये तब आती है इसमें। अब इसके लिए डिजाइनिंग चालू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आई एक्स एक्स और आई वाई वाई ये दोनों ही कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में सारी कहानी वगैरह जो है फिर चालू होगा, आर एक्स एक्स एंड आर वाई वाई वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं आई एक्स एक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये रह गया आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स प्लस टू इंटू। अच्छा, इसमें शिफ्टिंग तो हुआ ही नहीं, वो तो सेम ही है। ये वाई के लिए इसमें ये जो प्लेट्स है सॉरी चैनल सेक्शन के लिए शिफ्टिंग नहीं, क्योंकि वो सेंटर वहीं पर लाइक है। अब ये जो प्लेट है इनको देखना है, तो बीडी क्यूब बाई 12 लिखते हैं। डिस्टेंस कितना है यहाँ से सेंटर का? ये यहाँ पर ये हो गया 200 प्लस 2 ये इसमें क्या आई एक्स एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, तो ये उठाना ही पड़ेगा इसी फॉर्मेट में। 10 रेस्ट ये एमएम में दे रखा है तो और अच्छी बात है। 150828 10^3 और ये अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ गया
इसी में ये आई एक्स एक्स रह गया, मैं यहीं पे पहले आई वाई वाई ऑन कर लेता हूँ। अब देखो सबसे पहले लिखते हैं ये टू इंटू आई वाई वाई प्लस इनकी शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग कितने पर होगी 100 प्लस 24, इतनी ही तो है ये यहाँ से लेके ये है आई वाई तो शिफ्टिंग ये होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितना है 200 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 100 प्लस 24.2। बेटा भी 10 साल मतलब जरूरत पड़ गई है अभी यहाँ पर, ठीक है। और ये इधर कितना है 6293 प्लस ये आपके पास में यहाँ से मिलेगा। बेटा मैं इसको थोड़ा सा सॉरी लेकिन इसको ऐसे कर देता हूँ तब शायद ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दो चीज़ें रह गई हमारे पास में, तो इनका आप कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में से ये श्योर हो चुके हैं कि आई एक्स एक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ज़्यादा है वाई वाई से, तो बकलिंग होगी तो वाई के अबाउट होगी, एक्स के अबाउट तो होने से रही, ठीक है। तो इसको इस तरीके से
ये आई वाई वाई ऑफ द कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बाकी में वही रहेगा। उसी के लिए हम लोग देखते हैं, आई वाई वाई ऑफ द कॉम्बिनेशन 4.126 एरिया में क्या क्या आएगा, दो प्लेट दैट इज 500 × 10 प्लस और क्या आएगा, दो चैनल सेक्शन दैट इज 6 × 9 3 मैम आ गया आपको, तो इसको 35.2 ये लिख देते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू जब आपको मिलेगी, क्वेश्चन में आपको स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए एल इफेक्टिव ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5 मीटर लंबा इक्वल टू 5 मीटर करना है ना, एल इफेक्टिव कितना दे रखा है 5 मीटर। और पहले स्लेंडरनेस रेशियो पे टेबल्स आउट करेंगे अपन, अब 36.9 मीटर इन दोनों के बीच में आएगा, 30-50
मिला है आपको, ठीक है, 140.46। ये रहा। और अब इसके बाद में यहाँ से अब जब उठाते हैं इसको 146.46, तो इसके बाद में अब इसके लिए लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालो। केजी में तो आ रहा है ये सारा, इन्होंने दिया तो सब केजी में ही है। अच्छा न्यूटन में दे दिया ना, हाँ ये न्यूटन में है तो आप 1000 का डिवाइड दे सकते हैं। 3172.42 यहाँ से आप इसको उठा के दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये आपके पास में रहेगा। अब इसमें सोचो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी पी सेफ जो है वो ये मिला है। क्वेश्चन में एक हिंट और दे रखी है उन्होंने, एक पार्ट और पूछा है उन्होंने, और वो इस तरह से कि अगर इसी क्वेश्चन के अंदर इफेक्टिव लेंथ अगर 6 मीटर हो जाती है, ठीक है, भाई लेंथ बढ़ाते हैं तो इफेक्टिव लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, तो वो आपको यहाँ पर कम मिलती हुई जाएगी, एक तरह से सोच सकते हो आप इसके अंदर। ये मिलेगा 44.44, ये 44 उसी के बीच में आ जाएगा, ये वापस 30 से 50 के बीच में।
653 के साथ आपको इसमें मिलता है। पहले का कितना है? माइनर अमाउंट से चेंज हुआ है ये, बस 140 है। इतना सा डिफरेंस है जब, तो मतलब मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन कोई खास डिफरेंस आया नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ तक मतलब बस ये है कि रिडक्शन तो होगा, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसके अंदर कुछ ड्रास्टिकली होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं हुआ है कि नॉर्मल है। ये तो 6 मीटर की लेंथ दे रहे हैं, 1 मीटर की लेंथ से सिर्फ 100 किलोमीटर मतलब 10 टन का लोड कैरिंग कैपेसिटी है जो नुकसान हुआ है। ठीक है, सही है, अरेंजमेंट बहुत एफिशिएंट बना हुआ है। देखिए इसमें ये
देखते हैं इसके अंदर। सुटेबल मेकअप सेक्शन डिजाइन सुटेबल बिल्टअप सेक्शन यूजिंग टू चैनल्स फॉर स्टील कॉलम टू कैरी एन एक्चुअल लोड ऑफ 1200 किलोमीटर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इज Provide suitable single lacing at 45 degree inclination. Adopt 22 mm diameter. For channel section इतना ये उसकी properties हैं। परमिसिबल ये है। अब उसके बाद में यहाँ से आगे देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें इस तरह से सोचना, डिजाइन ए सुटेबल बिल्टअप सेक्शन यूजिंग टू चैनल्स फॉर स्टील कॉलम टू कैरी एन एक्चुअल लोड इतना, ठीक है। लेसिंग डिज़ाइन करना है, अगर लेसिंग डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले वो क्रिटिकल कंडीशन पे लेके आ जाओ, ठीक है। तो इसमें इस तरह से देखना, डायग्राम बनाता हूँ इसके पहले। ये है आपके पास, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम लोग लिखे हैं 45 डिग्री इंक्लिनेशन, तो अडॉप्ट 22 mm डायमीटर रिवेट्स फॉर इतने चैनल सेक्शंस के लिए, ठीक है। लेसिंग इसमें डिज़ाइन करना होगा, तो उसके लिए पहले क्रिटिकल स्पेसिंग ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि वो इसमें दिया हुआ नहीं है। 24.4 इन दोनों के बीच में लेट्स से मोर एस एस स्टार,
RxX is fine. अब ये सारे वैल्यूज इसमें गिवन है, आर एक्स एक्स दिया हुआ है, आर एक्स एक्स क्या होगा, ये सी वाई वाई आपको दिया हुआ ही सॉल्व करते हैं, सी वाई वाई इन सबको पुट कर दो डायरेक्टली, एस एस स्टार निकल जाएगा, आर एक्स एक्स कितना है, एस एस स्टार की वैल्यू कितनी लग रही है, 20 mm, मैं एक बार इसके ऊपर से कैलकुलेट कर दूंगा, समझना नहीं चाहिए, ये है ठीक है।
अब ये एस एस स्टार इसमें इस तरीके से जब प्रोवाइड कर दोगे तब जाकर लेसिंग दिया जा सकता है। ये बात को हमेशा याद रखना कि इस क्वेश्चन में एक कैच भी है, इसका सोल्यूशन गलत भी दे रखा है। इसको आप लोग याद रखना कि आई एक्स एक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन जब तक आई वाई वाई ऑफ द कॉम्बिनेशन से कम नहीं हो जाता है, या ये मेजर माइनर का खेल ऐसा नहीं हो जाता है, इक्वल टू है वेल एंड गुड, नहीं है तो कम से कम ये माइनर एक्सेस वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी जाके राइट, तभी जाके हम लोग ये लेसिंग सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं राइट। नहीं तो उससे पहले लेसिंग सिस्टम आएगा ही नहीं, ये इसकी खास बात होती है ठीक है। तो अगर लेसिंग सिस्टम हम लोग मतलब सिर्फ तभी दे सकते हैं ठीक है, तो अब इसके अंदर लेसिंग सिस्टम को सपोज इस तरह से अगर हमने प्रोवाइड किया, एनरोल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास में ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ठीक है कि ठीक है 8.46 ये जो भी है ये वैल्यू जो मिली है। अब इसके बाद मैं उसको डिज़ाइन करने के लिए जब जाऊंगा तो इफेक्टिव लेंथ दे रखी है। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सेफ है या नहीं है, वैसे तो सेफ होगा ही है, स्लेंडरनेस रेशो कैरी करते हैं इसमें। ना है 136.6 ठीक है। अब इससे हम लोग पहले सिग्मा निकाल लेते हैं, सिग्मा 42 आएगा ना, तो ये इन दोनों के बीच में
6. Which is greater than 1200 किलोन्यूटन वगैरह के साथ अगले पेज से लेके चलते हैं लेसिंग करते हैं यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं कितना की वैल्यू 45 डिग्री है इसी इनके स्टेप्स बहुत सारे हैं मैं सारे स्टेप्स एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ सुनता हूँ डाउनलोड में
L equal to lambda component column. I will keep another 28.3 and the whole thing now. इसके साथ 136.6 है, तो ये 42.46 सेफ है, कोई इशू नहीं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या रह गया, जैसे ये सेफ हो जाता है तो सिंगल एसिंक सिस्टम दे सकते हैं। अब हालांकि उन्होंने क्वेश्चन में हिंट दिया था, लेकिन फिर भी हमें चेक करना होता है, वैसे ही ब्लाइंडली नहीं मान सकते। रीजन उसके पीछे का, क्योंकि ये 45 डिग्री पे वैसे थंब रूल देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट जितने भी लेसिंग सिस्टम होते हैं सबके सब 45 डिग्री पे पास होते हैं। ऐसा होता ही नहीं, बहुत रेयरली ही ऐसा होगा जिसमें कि ये पास नहीं है, तो पास होगा ही होगा, ये मान सकते हो आप।
ये वाली जो वैल्यू यहाँ तक जो भी मिलेगी आपको, इसके अंदर नेक्स्ट होगा लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। होगी जो रखेंगे कितना दे रखा है आपको, 22 mm दे रखा है, 65 प्रोवाइड कर दीजिए। थ्री डी वाला लॉजिक जो लगता है नियर मल्टीपल ऑफ 5 के साथ, ठीक है, हालांकि बहुत ओवर डिजाइन होगा लेकिन ठीक है जो है सब लगाओ। ठीक है, अब इसमें ये थिकनेस का सेट लगा लो, लेसिंग मेंबर 381। लैम्डा लेसिंग मेंबर इसको 132 लिखो, हेंस थिकनेस इज 5। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें फोर्स चाहिए, फोर्स यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑब्टेन करने के लिए फोर्स चाहिएगा, तो फोर्स कितना लें, 2.5%।
ये अल्टीमेट मिला जो अप्लाइड कोर्स है दैट इज 1200। ये आ गया ये भी आ गया। अब इसमें बाद में ये मिला है फोर्स, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये एक कंप्रेसिव भी होगा, ये टेंसाइल भी होगा। फर्स्ट डिजाइन करेंगे कंप्रेसिव के लिए। लेसिंग नंबर कितना है? वन थर्टी टू। ये डायरेक्टली उठा रहा हूँ यहाँ से ना, 132 पे इस टेबल से उठानी है ना मेरे को वैल्यू। ये देखो तो इसका गैप आएगा 10 1 माइनस 55.8। मैं ये मेथड डिस्कस कर चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं वो फिर नहीं आएगा। 57 माइनस 55 10 तो ये आएगा 57 माइनस आंसर 55.8।
सेम है ऐसे आ गया, तो पी सेव इक्वल टू उसके लिए क्या है पी इनटू पी इनटू टेंसाइल के लिए लगा लो, लगे हाथों तो। अच्छा ये 260 दिया ना आपने, इसी में तो दिया 260, 260 होगा तो 0.6 टाइम्स ऑफ 0.6 टाइम्स ऑफ 260 आंसर है। अभी 156 है, सिक्स के लिए कितना लिखना है, इसी में पास हो गया तो इसमें तो होना ही है। बहुत ज़्यादा है, ठीक है लॉस स्ट्रेंथ हो गया। दूसरा क्या है ये कितना होगा 65 माइनस ये कितना है 22, तो डी नोट कितना है 23.5। ये मिलेगा आपको इसका मतलब कि मेंबर सेक्शन पास हो गया है किसमें, शेयरिंग सॉरी टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्सेस बोथ। अब उसमें एक ही स्टेज बचा है कौन सा, एक तरह से कह सकते हो कि उसके अंदर जो स्टेज अब दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द कनेक्शंस। कनेक्शंस के लिए वो डिजाइन करने लगे हाथों, शॉर्ट फ्यूज दे रखा है क्या प्रोवाइड इफेक्टिव एनर्जी सिंगल अलर्ट रिमूवल, ये नहीं दिया इसमें। चलो मान लेते हैं पावर ड्रिवन शॉर्ट फ्यूज, वही एक सबसे सीधा सिंपल सा होता है। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लिमिट
not get now 23 point. वैसे भी कंट्रोल करेगा नहीं, रीजन सिंगल शेयर मिले, सिंगल शेयरिंग प्लेन है इसलिए. वैल्यू कितना है? अभी कितना है? 30. ये अपने आप में एक बेस्ट अरेंजमेंट बन के यहाँ तक मिलेगा, तो ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, आई एग्री, लेकिन मार्क्स भी बहुत ज़्यादा थे, ये कुछ ज़्यादा हो गया. ज़रा थोड़ा जूम करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है. अब इसमें देखो, मैं एक बार क्वेश्चन समराइज कर देता हूँ. अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है. इस तरीके से डिज़ाइन ए सूटेबल बिल्ट अप सेक्शन यूजिंग टू चैनल्स और ए स्टील कॉलम टू कैरी एन एक्चुअल लोड ऑफ 1200 किलोन्यूटन. इफेक्टिव लेंथ दे रखा है, प्रोवाइड सूटेबल लेसिंग सिस्टम 45 डिग्री इंक्लाइनेशन अलाउ 22 mm डायमीटर, ISMC 350 के दे रखा है, पूरी प्रॉपर्टीज दे रखी है और स्लेंडरनेस रेशियो की टेबल भी आपको गिवन है. इसमें ध्यान ये भी रखना है कि आपको FI की वैल्यू 250 नहीं है, 260 है यहाँ पे, ठीक है. तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमको यहाँ पे. अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि जब ये अरेंजमेंट बनाना है हमको, राइट, इस अरेंजमेंट के अंदर एक चीज़ और थोड़ा सा देखना है हमको कि लोड वगैरह, ये जब सब चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं वगैरह, तो इसमें इस बात को थोड़ा सा समझना कि पहले तो हमने चेक किया इसकी सेफ्टी ऑफ द कॉलम सेक्शन कि ये कितना लोड को उठा सकता है. लेसिंग लिखा हुआ मिल गया, इसलिए मैं चला गया डायरेक्टली IXX ऑफ द कॉम्बिनेशन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू IYY ऑफ द कॉम्बिनेशन. इससे मैं कैलकुलेशन करके बस ये जस्टिफाई करना चाह रहा था कि वो थिकनेस और गैप कितना है, और ये R1XX जो है उसे मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ. ये मेरे पास में यूज़ ही तब होगा, अदरवाइज यूज़ ही नहीं होगा इसमें, ठीक है. चलिए, इसके बाद में ये लैम्डा कैलकुलेट हुआ, बढ़िया बात है. और फिर उसके बाद में लैम्डा से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए ये σAC, σAC से फिर फर्दर लोड कैरिंग कैपेसिटी, डिज़ाइन सेफ है, 1200 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा आया है, कोई दिक्कत नहीं. अब हमने लेसिंग को डिज़ाइन करना रखा, थीटा की वैल्यू निकाली, L1 निकाला, और फिर यहाँ पे ये चेक किया कि क्या सच में 45 डिग्री पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो 45 डिग्री पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है.
ये चीज का आइडेंटिफिकेशन हमें पता लगता है ये स्लेंडरनेस रेशियो के चेक से। अच्छा वो चेक कौन सा है बेटा? ये वाला चेक है। इससे पता लगता है हमें इस बात का कि वो सही है या गलत है। इसके बाद डिज़ाइन किया लेसिंग मेंबर को, ये लेंथ थिकनेस सिंगल लेसिंग के लिए 40 और ये विड्थ को 3 टाइम्स डी के नियर मल्टीपल ऑफ 5 के साथ रखा। अब इन तीनों में से थिकनेस के ऊपर चेक लगाना था, मैंने चेक लगा दिया इसमें, ठीक है। तो ये स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट हुआ, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट हुआ, 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बढ़िया बात है। उसके बाद में ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑप्टेन किया तो वो 2.5% देखा तो 30 आ गया। इसके चलते एफ की वैल्यू भी π/2 साइन थीटा रखा, ये आंसर मिला। अब ये एफ जो है वो अपने आप में टेंसाइल भी है और कंप्रेसिव भी है। तो मैंने क्या किया कि पहले कंप्रेसिव के लिए भी चेक लगाया, टेंसाइल के लिए भी लगाया, यहाँ से ऑप्टेन करते गए इसको, ठीक है। उसके बाद में कनेक्शन देखा तो वो 2f cos theta divided by rivet value. Rivet value shearing and bearing के basis पे दोनों में से जो minimum है वो answer. अब ये जो value हमें मिली तो अगले उसमें हमने बस ये चेक किया कि ये कितना आ रहा है, तो ये आंसर मिला 0.69, 1 दे सकते हैं, तो ये आंसर। क्वेश्चन ये है कि रिवेट के क्वेश्चन आजकल ऐसे थोड़े से कम आते हैं, लेकिन सॉरी ये पूरा जो WSM का पार्ट है या उसके जो क्वेश्चंस है उसके सारे स्टेप्स हमें आने चाहिए, कम आता है, दैट आई कम्प्लीटली एग्री। ये नहीं कहूँगा कि भाई बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ही आते हैं इसके अंदर, लेकिन हाँ आते ज़रूर हैं ये, ठीक है। कोशिश ये करना है कि यार अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसके सारे स्टेप्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, क्लासेस में तो हालांकि खैर हम लोग रटते हैं इनको, एक बार समझ लेते हैं उसके बाद में फिर बस धड़ाधड़ इनको रटने का ही काम करते हैं, लेकिन हाँ ये स्टेप्स अच्छे हैं, पता होना चाहिए हमें इन सब के बारे में, ठीक है। और इस तरह से इसको प्रोसीड करते हुए जाएंगे, ठीक है। ये सेशन मैं यहीं पे थोड़ा सा इसको क्लोज करता हूँ, और इसका एक और सेशन आएगा जिसमें हम लोग इसके जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं उनको इसमें कंटिन्यूशन में है, इसी के कंटिन्यूशन में, इसलिए कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसके आगे के क्वेश्चन जो है रिमेनिंग हम उस टाइम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।